वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दवा संबंधित जानकारियों के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआर स्पंज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आइब्रोफेन और पैरासिटामोल के कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। वैसे तो आइब्रोफेन और पैरासिटामोल पर अलग अलग सेपरेट वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोड है। अगर अभी तक आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आइब्रोफेन और पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है, क्यों यूज किया जाता है, इसका बॉडी में प्रभाव कितने समय तक रहता है, आइब्रोफेन और पैरासिटामोल के यूज में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और इसका साइड इफेक्ट क्या क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। आइब्रोफेन और पैरासिटामोल दोनों ही नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग NSAID नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। आइब्रोफेन और पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन की दवा में दो तत्व होने के कारण अधिक प्रभावी है। दोनों तत्व एक दूसरे के लाभकारी प्रभाव को बढ़ाते हैं। इस प्रकार यह प्रबल पीड़ाहारी, ज्वर नाशक व सूजन रोधी के रूप में कार्य करती है। आइए अब इसके यूज के बारे में जान लेते हैं। आइब्रोफेन और पैरासिटामोल के कॉम्बिनेशन को हल्के से गंभीर वर्ग के दर्द, बुखार व सूजन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। इस कॉम्बिनेशन का मुख्यतः उपयोग ज्वाइंट पेन, रूमेटिक आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। इससे काफी आराम मिलता है। इसके अलावा इसका यूज किसी कारण चोट लग गया हो या एक्सीडेंट हो गया हो, सूजन आ गई हो तो इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग किसी सर्जरी में होने वाला दर्द हो, सर्जरी से पहले या बाद में होने वाला दर्द और सूजन को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कमर दर्द में भी इसका यूज किया जाता है। साथ ही इसका यूज महिलाओं के पीरियड में होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दांत के दर्द को ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द हो या सर दर्द हो, बुखार हो या माइग्रेन का दर्द हो, गठिया का दर्द हो या हड्डी फ्रैक्चर का दर्द हो, बॉडी पेन हो, मतलब किसी भी प्रकार का दर्द हो, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इससे काफी आराम मिलता है। आइए अब जानते हैं कि आइब्रोफेन और पैरासिटामोल के यूज में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। लीवर के रोगियों में इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। किडनी के रोगियों में इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। हाइपरटेंशन में इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर में इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। हार्ट के रोगियों को इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। 6 महीने के अंदर के बच्चों को इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। 6 महीने या उससे अधिक उम्र के बच्चों में इस दवा का यूज कर सकते हैं। 8 साल के ऊपर के व्यक्तियों में इस दवा का सेवन में कोई विशेष समस्या नहीं है। कॉम्बिनेशन को यूज करते समय अल्कोहल का सेवन करना हानिकारक हो सकता है, अतः अल्कोहल का सेवन न करें। इसके अलावा मेथोट्रेक्सेट, कार्टियोस्टेरॉइड, एस्पिरिन, हाइपरसेंटिवेस दवाओं के साथ इंटरेक्शन होने का खतरा रहता है। किसी भी प्रकार की दवा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। आइए अब इसके प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। आइब्रोफेन और पैरासिटामोल का बॉडी में प्रभाव 30 से 60 मिनट के भीतर शुरू होता है और लगभग 4 से 6 घंटों तक रहता है। आइए अब इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। आइब्रोफेन और पैरासिटामोल का बॉडी में साइड इफेक्ट होने पर आपको चक्कर आ सकता है, थकान हो सकती है, उल्टी या मितली हो सकता है, पेट में ऐठन या दर्द हो सकता है, सीने में जलन हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, पीलिया हो सकता है, लीवर में सूजन हो सकती है, घबराहट हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, दस्त लग सकता है, प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है, ये सब साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आइए अब इसके उपलब्धता के बारे में जान लेते हैं। आइब्रोफेन और पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन मेडिकल शॉप पर टेबलेट, कैप्सूल और सिरप के फॉर्म में उपलब्ध है। अगर आप इस दवा को खरीदने जा रहे हैं तो आपको इसके ब्रांड नेम की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से विजिट कर सकते हैं और दवा ले सकते हैं। हो सकता है जो ब्रांड नेम दिया गया है वो आपके एरिया में या डॉक्टर के अकॉर्डिंग कुछ और नाम से भी मिल सकता है, पर इसका मूल नाम या कम्पोजिशन नेम ब्रुप्रोफेन और पैरासिटामोल ही रहेगा, तो आप उसे ले सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे बात कर सकते हैं, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी और को भी इसके बारे में नॉलेज मिल सके। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, जिससे हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।